गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक फन विद मैग्नेट्स। व्हाट डू मीन बाय मैग्नेट? मैग्नेट होता क्या? आप सबने देखा होगा मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, जो अपनी तरफ खींचता है लोहे को, ठीक है ना? आपने मोस्टली मैग्नेट देखा होगा, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। व्हाट इज मैग्नेट? पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट किसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट, वो वाली चीज़ विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स, लाइक जो दूसरे मैग्नेटिक मटीरियल्स को अपनी तरफ खींचता है। अट्रैक्ट क्या होता है? अट्रैक्ट होता है खींचना, ठीक है ना? तो दूसरे मैग्नेटिक मटीरियल को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेट। लाइक कौन कौन से मटीरियल को? ऐसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, एंड आयरन, मोस्टली आयरन। आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को ये अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे मटीरियल को बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो अब आपको समझ में आया मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होता है वो मटेरियल जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे किस किस को खींचा? जैसे कोबाल्ट, निकल या आयरन के प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना? अगर आप एक आयरन की कील रखोगे उसके सामने या पिन रखोगे आयरन के, उसके एकदम से वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ये आपने मोस्टली देखा होगा। हाँ, कहते हैं इसकी डिस्कवरी कहाँ से आया है मैग्नेट, ठीक है ना? ये पढ़ना हमने। एंशियंट एल्डरली ग्रीक शेफर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर। शेफर्ड क्या होता है? शेफर्ड होता है वो जो गाय भैंस वगैरह चराता है, ठीक है ना? एक बहुत पुराना एंशियंट ग्रीक शेफर्ड था, ठीक है ना? एक बार वो ऐसे अपनी गाय चराता चराता कहाँ चला गया? कहीं जंगल में चला गया, कहीं पहाड़ी पर चला गया। वॉज फर्स्ट पर्सन टू, इसी ने डिस्कवर किया मैग्नेट। देयरफॉर जो मैग्नेट है, देयरफॉर दिस नेचुरली ऑकरिंग, इसने मैग्नेट को डिस्कवर किया, यानी इसने ईजाद किया किसको? मैग्नेट को। यानी इसने अपनी एक, इसके पास एक स्टिक थी, उसको उसके ऊपर लोहा लगा था, कि क्या लगा था स्टिक के ऊपर? जिससे ये अपने भैंसों को कंट्रोल करता, गायों को कंट्रोल करता था, ठीक है ना? तो एक बार इसने इसको एक पत्थर के ऊपर रख दिया ऐसे करके, तो वो जो स्टिक का वो उठती नहीं थी पत्थर से, ठीक है ना? उसके साथ जुड़ गई, यानी अट्रैक्ट हो गई उसके। दैट मीन्स जो रॉक था उसके अंदर क्या था? मैग्नेट था। तो फिर यही एक आदमी था जिसने डिस्कवर किया मैग्नेट। देयरफॉर दिस नेचुरली ऑकरिंग मिनरल मैग्नेट वॉज नेम्ड बाय द डिस्कवरर्स नेम। तो इसका नाम मैग्नेट था, इस बंदे का नाम, तो उसी के नाम के ऊपर ये नाम रख दिया इन्होंने इस मटेरियल का। किसका? मैग्नेट का, जिसने इसको पहले डिस्कवर किया, पहले ईजाद किया, पहले देखा। द मैग्नेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मैग्नेटाइट रॉक कॉल्ड एज नेचर। वो वाले मैग्नेट्स जो मैग्नेटाइट रॉक्स से निकलते हैं, यानी नेचुरली जो ऑकर होते हैं, जो कुदरत की तरफ से उन रॉक्स की तरफ में होते हैं, उनको बोलेंगे हम देर कॉल्ड एज नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है? वो वाले मैग्नेट जो मैग्नेटाइट रॉक से निकलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है ना? एंड दोज प्रिपेयर्ड बाई कम्बिनेशन ऑफ सर्टन मिनरल्स। कुछ मिनरल्स को ऐसे मैग्नेट भी लेबॉरेटरी के अंदर या कहीं के बनाए जाते हैं, वो कम्बिनेशन करते हैं काफ़ी मिनरल्स की, ओर्स की, मिनरल ओर्स की, ठीक है ना, मटीरियल्स की। तो उसके बाद क्या बनाते हैं? एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, उस मैग्नेट को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब तो क्या समझा आपने? जो जो मैग्नेट है ये, इसका नाम किस पे रखा गया था? एक जो इसने इसको डिस्कवर किया था, जिसने इसको ईजाद किया, जिसने इसको देखा था, कौन था वो? एंशियंट ग्रीक क्या था? शेफर्ड था, ठीक है ना? तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया मैग्नेट। तो जो वो वाले मैग्नेट जो मैग्नेटाइट रॉक से निकलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। और कुछ ऐसे मैग्नेट्स हैं जो मिला के बनाए जाते हैं बाकी मिनरल ओर्स को, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल जो चीज़ नेचुरल ना हो, जो आर्टिफिशियल, जो प्रिपेयर की जाए बाय मैन, ठीक है ना? फिर व्हाट डू यू मीन? अब कौन कौन से मैग्नेटाइट मटेरियल है? मैग्नेटाइट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर मैग्नेट होता है, या जो वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन सा? जैसे मैंने बोला कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटाइट मटेरियल। ये मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दीज मटेरियल्स आर इजली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये मटेरियल इजली अट्रैक्ट होते हैं कौन कौन से? कोबाल्ट, निकल एंड आयरन। एंड व्हाट आर नॉन मैग्नेटाइट? कुछ ऐसे मटेरियल जो नहीं होते, उसके हर एक चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, सिर्फ ये तीन मटेरियल मोस्टली होते हैं, कोबाल्ट, निकल एंड आयरन। नॉन मैग्नेटाइट के होते हैं जैसे एल्युमिनियम हो गया, वो नहीं अट्रैक्ट होता, उसमें जिंक नहीं होता, वुड नहीं होती है, रबर नहीं होती, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। तो ये कुछ मटेरियल होते हैं जो तीन मटेरियल हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट, कोबाल्ट, निकल एंड आयरन।
तो बाकी जो हो गया एल्युमिनियम जिंक वुड एंड रबर दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय देर नॉन देर कॉल्ड एज दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट सो दे आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटाइट मटेरियल उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटाइट मटेरियल गॉट इट तो ये होते हैं नॉन मैग्नेटाइट मटेरियल तो ये आज हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी किसके बारे में मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन मैग्नेट क्या होता है वो ऑब्जेक्ट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है जैसे कोबाल्ट निकल आयरन इनमें भी मैग्नेट इनमें भी मैग्नेट होता है तो ये कहाँ से मिला एक एंशियन ग्रीक शेफर्ड को मिला ये उसने डिस्कवर किया ये तो इसको उसी के नाम से मैग्नेट नाम दिया गया है तो मैग्नेट कहाँ से कहाँ पे होता है जो वो वाले मैग्नेट्स जो मैग्नेटाइट रॉक से निकलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट वो वाले जो खुद बनाए जाते हैं सटल मिनरल ऑल्स को कम्बिनेशन करके उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट तो मैग्नेटाइट मटेरियल आप आपको समझ आ गया वो वाले होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है जैसे कोबाल्ट निकल आयरन और नॉन मैग्नेटाइट वो होते हैं जिनको बिल्कुल भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है जैसे एल्युमिनियम हो गया जिंक हो गया वुड एंड रबर ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक फन विद मैग्नेट्स आप भी इसको पढ़ो जितना मैंने पढ़ाया ओके okay.